नमस्कार, आपके साथ में हूँ जीनत खान। आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बंद बोरे में मिली लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार किया है। हत्या की वारदात अवैध संबंधों के चलते मृतक को रास्ते से हटाने के लिए गला घोट कर हत्या कर दी गई थी और शव को एक सुनसान खाली मैदान के खेत में फेंक दिया था। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के 155 संगम नगर में पुलिस को हाथ पैर बंद मिले शव के मामले में मृतक की पहचान देवेंद्र अग्रवाल के रूप में की है। पुलिस ने अंधे कत्ल के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार किया है, जहां देवेंद्र का भांजा विक्की के अपने ही मामी नेहा से प्रेम प्रसंग थे और मृतक देवेंद्र पिछले 13 माह से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। मृतक जब अपनी पत्नी के घर पहुंचा, जहां पत्नी नेहा और भांजे विक्की द्वारा गला दबाकर देवेंद्र की हत्या कर दी गई और शव को लोडिंग रिक्शा की मदद से देर रात संगम नगर में कासलीवाल के खाली पड़े खेत में फेंक दिया। घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों ही आरोपी मृतक की पत्नी नेहा और भांजे विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जहां आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना एरोड्रम को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। थाना एरोड्रम क्षेत्र के अंतर्गत कासलीवाल के खेत पर, जो कि 155 स्कीम कासलीवाल का खेत है, वहाँ पर उस पर एक सूचना मिली थी कि बोरे में लाश है और तस्दीक करने पर, मौके पर जाने पर ये प्रतीत हुआ कि इसको कहीं से लाकर यहाँ पर डंप किया गया है। मृतक अज्ञात था, आरोपी अज्ञात थे, एकदम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लगातार इसका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस कंट्रोल रूम और थाने के जितने भी हमारे काउंटर इंटेलिजेंस के आरक्षक हैं, उन सब के माध्यम से इसको सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद करीबन 13 तारीख को सुबह के समय एक थाने पर जो अज्ञात मृतक था उसका भाई पहुंचा और उसने शंका जाहिर की कि मेरा ये भाई पप्पू अग्रवाल हो सकता है। फोटोग्राफ दिखाए गए सोशल मीडिया में, जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे जारी किया था वो दिखाए गए, और मर्चुरी में जाकर उसकी बॉडी दिखाई गई, जिससे उसने शिनाख्त करी कि मेरा भाई पप्पू अग्रवाल है। इसके बाद में हम लोगों को लीड मिली और लीड मिलने के बाद तत्काली हम इसका जो पत्नी है नेहा, जिससे कि परिवहन 13 माह से अलग रह रहा था, उसके निवास पर पहुँचे, क्योंकि ये इनपुट हमको मिल गया था कि कोई एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ में ये वहाँ पर देखा गया है। जब नेहा से पूछताछ की तो उसने प्रथम दृष्टा भ्रमित करने की कोशिश की और ये बताया कि आया था, उसके बाद यहाँ से चला गया है। और पूछताछ की तो पता चला कि इसका जो भांजा है विक्की, जो नेहा के साथ ही रहने लगा है, पिछले 13 माह से साथ ही रह रहा है, वो भी वहाँ नहीं मिला। उसका किसी प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने का ज्ञात हुआ, अरविंदो के पास में, अरविंदो हॉस्पिटल के नज़दीक। तत्काल वहाँ पे पार्टियाँ भेजी गई, राउंडअप किया, तलाश की गई और उसको हिकमत अलमी से राउंडअप किया गया विक्की को, और इसके बाद में इन दोनों का इंट्रोगेशन हुआ। सभी महिला सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के साथ में इससे पूछताछ हुई, जब दोनों को आमने सामने बैठा और इन लोगों ने फिर कन्फेस किया कि घटना हमने कर दी है। उसका पीछे एक बड़ा कारण इनके आपस के संबंध बनना और साथ ही इससे इनका मनमुटाव और काफ़ी दिनों से सेपरेशन था। ये अपने बच्चे को वहाँ पर लेने और उस परिस्थिति में गया था और वहाँ पे विवाद होने पर विक्की के द्वारा इस पर हमला किया गया और इसकी जो मृतिका, जो उसकी पत्नी है नेहा मृतक की, उसने नायलॉन की रस्सी लाकर और इन दोनों ने इसके वहाँ पे हत्या की, निर्मम हत्या इसमें गला घोट कर की, जिसमें कि नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया। बाद में बरसात की रात थी तो करीबन 9:30 के आसपास इन लोगों ने इसको एक बोरी में बंद करके और लोडिंग के रिक्शे की मदद से और इसको लाकर बाणगंगा क्षेत्र से बाहर, ये नियर एरोड्रम क्षेत्र के पास में जहाँ एक खेत है कासलीवाल का, जहाँ पे कचरा डंप रहता, वहाँ पे इसको लाके पटका। तो इस तरीके से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और इसमें थाना प्रभारी संजय शुक्ला और उनकी जो टीम है, जिसके लिए मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, ओम नारायण शुक्ला, सहायक निरीक्षक भगवान सिंह सिसौदिया, प्रधान आरक्षक संजय मालाकार, आरक्षक सुधीर, आरक्षक मनोज की सराहनीय भूमिका रही है।